गाइस वेलकम टू द चैनल। सो आपने लिया है एक नया आईफोन 15 और सोच रहे हैं कि कौन सा स्क्रीन प्रोटेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। कोई बात नहीं, रुकिए, वीडियो देखते रहिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये देखिए, तीन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मैंने हर एक प्राइस रेंज में हर एक कैटेगरी का स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। रही बात ESR की स्क्रीन प्रोटेक्टर की, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, जो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं वहां से। अभी आप लोगों ने जो इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देखा वो इस स्क्रीन प्रोटेक्टर का था। सो ये स्क्रीन प्रोटेक्टर बहुत महंगा है, 1500 रुपए का दो स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिलने वाला है। सो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ऑलरेडी आपको पता ही है कि ये बहुत फेमस स्क्रीन प्रोटेक्टर है, हर एक यूट्यूबर इसके बारे में बात करता है। सो मैंने इसको खुद के पैसे से खरीदा है, बहुत अच्छा नहीं है पर बुरा भी नहीं है। आगे बात करते हैं, मेरे हाथ में ये टेम्पर्ड ग्लास जो आप देख रहे हैं ये स्पिगन का ही है। एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगभग 750 का आता है। 750 का कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में क्या कर रहा है? सो ये जो चीज है बेसिकली ये मैं ज्यादा दिन तक यूज नहीं कर पाया, बिकॉज इसका जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो बहुत घटिया है। ESR का जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलने को देखने को मिलेगा। स्पिगन का जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो कुछ ही दिन बाद चला जाता है और फिंगरप्रिंट्स आने शुरू हो जाते हैं। रही बात ESR की स्क्रीन प्रोटेक्टर की, इसका एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये H2H स्क्रीन प्रोटेक्टर है तो इसका जो बेजल्स है ये आपका डिस्प्ले को ढक सकता है, और डिस्प्ले ढकने के कारण से जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जो व्यूइंग एंगल्स है, वो आपका खराब हो सकता है। पर द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग अ ESR स्क्रीन प्रोटेक्टर इज इट्स वैल्यू फॉर मनी। 1300 रुपए के आसपास तीन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिल रहा है। ESR का जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो बहुत अच्छा है। मेरा आईपैड के ऊपर मैंने ESR का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखा है। तो इस स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में बात करते हैं, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। एडवांटेजेस ये है कि छोटा स्क्रीन प्रोटेक्टर है, आपका डिस्प्ले को गार्ड नहीं करेगा, व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। छोटा स्क्रीन प्रोटेक्टर होने के कारण से एजेस एक्सपोज्ड रहेंगे, अगर रास्ते में गिर जाता है, अगर कंक्रीट के रोड्स में गिरेंगे तो स्लाइट चांसेस है डिस्प्ले का एज टूटने का। डिस्प्ले का एज ही जो है सबसे फ्रेजाइल होता है, तो अच्छा केस यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई होप। अगर 1500 रुपया खर्च नहीं करना है तो मैं आगे बताता हूँ आपको बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर आपके लिए कौन सा रहेगा। ये रहा क्रेस्टेक का स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है। ये 500 रुपए में आपको दो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलता है। आप बोलेंगे कि 500 रुपए घटिया क्वालिटी होगा, आपको बता रहा हूँ ESR या स्पीगन से बेटर क्वालिटी ये 500 रुपए वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको देगा। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर डिस्प्ले का एच को गार्ड नहीं करता है, जैसे आप इसमें पिक्चर में देख पाएंगे ये H2H स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ एक एप्लीकेटर ट्रे आपको मिलेगा, जैसे ESR में मिला था। स्नग फिट है, अच्छे से बैठता है, उसके ऊपर बस स्क्रीन प्रोटेक्टर को ड्रॉप करना है, एकदम स्पीगन जैसा फिटिंग देगा आपको, देखने से पता ही नहीं चलेगा ये स्पीगन है या क्रेस्टेक है। क्रेस्टेक का ओलियोफोबिक कोटिंग जो है वो स्पीगन से बेटर है, क्योंकि उसमें स्मजेस कम लगते हैं, सेम टू सेम ESR के जैसा आपको ये फील देगा। ESR का स्क्रीन प्रोटेक्टर का जो ओलियोफोबिक कोटिंग रहता है बहुत बढ़िया रहता है, ये क्रेस्टेक का भी सेम। ये लोकल कंपनी है, अमेज़न में मिलती है, इसका उतना नाम भी नहीं है, पर दिस इज वैल्यू फॉर मनी। मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आप लोगों ने देखा मैंने तीन स्क्रीन प्रोटेक्टर्स का रिव्यू या फिर ओवरव्यू आप लोगों के लिए लाने का कोशिश। तीनों का टारगेट ऑडियंस अलग अलग है। ESR का टारगेट ऑडियंस है जो एच टू एच प्रोटेक्शन चाहते हैं। स्पीगन का टारगेट ऑडियंस है पॉश ऑडियंस, जिनके पास पैसा बहुत है और वो लोग एकदम प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं, हैसल फ्री एक्सपीरियंस, बस फोन लगा और ड्रॉप करो, स्क्रीन प्रोटेक्टर इंस्टॉलेशन खत्म। क्रेस्टेक वाला जो है ये मुझे लगता है कि ये बीच में बैठता है, और इसका प्राइस इतना कम है कि आपको अगर स्क्रीन प्रोटेक्टर एक टूट भी जाए तो आपको उतना दुख नहीं होगा। एवरी बंगाली पीपल आउट देयर, सबाई भालो थेको, एंड फॉर एवरीवन टाटा गुड बाय एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।